गाइस वेलकम टू मी इन टैरो द टॉपिक है रात को गुड नाइट कहते वक्त कोई क्या सोच रहा है. वेल टॉपिक इज प्रीटी मच रोमांटिक. ठीक है चलो हम करने वाले हैं इसके बारे में एक छोटी सी रीडिंग एंड वी गॉट द सो हियर पर है ये ओरेकल लव मैसेजेस. आई डोंट नो इफ यू सी दैट. सेकंड है मूनोलॉजी. थर्ड इज द टैरो. मूनोलॉजी हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस. ओके लेट्स कनेक्ट टू इट. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो. सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनते हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. ओके चलो वाओ चलो एक ऐसे कार्ड आ गए तो वी आर गोइंग टू टेक दोस कार्ड्स व्हाटएवर दे से दे मीन दे आर हियर फॉर. ठीक है चलो पहला जो कार्ड है वो है एंडियरिंग. ओके जस्ट अ मिनट ये आ गया है पहला कार्ड जो कि एंडियरिंग एंड क्या है इसका मतलब वो देखता है. आई थिंक आई शुड जस्ट प्लेस दोस कार्ड्स हियर. ठीक है इसका मतलब है यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी. ओके सो दैट मीन्स कि ये जो आपका पर्सन है ये क्या सोच रहा है, ये आपको जब भी ये याद करता है द पर्सन फील्स लाइक कि भाई आपके कोई है ही नहीं दुनिया में. ओके आई जस्ट वॉन्ट बी विथ यू कडल यू हग यू एंड लाइक वाइज. मतलब बहुत सारी भावनाएं आती हैं. इफ़ यू आर मैरिड देन आपको पता होगा कि पर्सन जो आपको कडल करते हैं हक करते हैं आपको बिल्कुल भी जुदा नहीं होने देते. वाई बिकॉज द पर्सन फील लाइक दिस फॉर यू. सेकेंड जो कार्ड है वो स्माइल एस एम आई एल ई. आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट. दैट्स वंडरफुल क्यूट थिंग यू नो. तो चाहे फिर आपके पास महंगी गाड़ी क्यों ना हो, महंगा परफ्यूम क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन को आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी लगती है. ठीक है ये काफ़ी सही बात है. दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड आपकी जो स्माइल है उसके ऊपर ये पर्सन फिदा है, फना होने का मन करता है. राइट दैट्स ऑल अबाउट इट. थर्ड कार्ड है एडोरेबल. यू आर सच अ एडोरेबल पर्सन. आई होप यू कुड सी दैट. ठीक है मतलब आप बहुत ही एडोरेबल हो. मतलब अगर आप इनके सामने आते हो तो ये बिल्कुल भी आपको जुदा होने नहीं देते. ठीक है इसके हिसाब से भाई यू शुड बी विद देम एंड लाइक वाइज द पर्सन कैन इमेजिन एनी थिंग विद यू. ओके नेक्स्ट कार्ड है यू आर वन ऑफ माई काइंड. यस जैसे ये हैं बिल्कुल आप वैसे ही हो. बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही डिफरेंट अलग. ओके सो दैट्स वंडरफुल थिंग. आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी चाहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सारे जहाँ से अच्छा तो वैसे ही है कि ये पर्सन को लगता है कि आप भी सारे जहाँ से अच्छे हो. ओके नेक्स्ट दिस वन जो कि है जेस्ट. माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू. जैसे आप आते हो तो इनकी जिंदगी में बहार आ जाती है. So whenever the person is trying to say good night to you, think about you. इसके हिसाब से भाई जैसे ही आपका नाम लिया ये person, you know, मतलब बादलों में चलता है, you know, and on कब नींद आती है, कब उनकी सपनों में आप आ जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता. ठीक है नेक्स्ट इज दिस वन जो कि है ओके हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू. दैट्स अ वंडरफुल थिंग. भाई आपके साथ ट्रिक्स करने में, प्रैंक्स करने में, या फिर आप को कहीं लेके घूमने में लॉन्ग ड्राइव्स के लिए एंड काफ़ी सारी प्लानिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है. हेवन इज देयर फॉर बोथ ऑफ यू. यर्न फॉर ईच अदर्स टच. दैट इज समवेयर यू नो. ये पर्सन हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है आपसे कनेक्ट करने का, आपको वीडियो कॉल करने का, आपको सुनने का, आपको देखने का एंड टू किस यू एंड टच यू. ओके एंड जो नेक्स्ट कार्ड है येस दिस लास्ट कार्ड जो कि मैजिक. मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर. जब भी आप दोनों साथ में होते हो तो मैजिक होता ही है. यस सो मैजिक हैपन्स का मतलब है कि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है उसे लगता है कि मैजिक हो रहा है. ओके एंड यू ऑल्सो कुड फील दैट. यू नो बचपन में हम ऐसा एक क्रिएट करते थे कि आपको यू नो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे जिसे हम भिंग कहते हैं. ओके एंड वो लेके जैसे ही सूरज की किरणें आपको मिले ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे के बाद तो एक कागज़ लेना है और उसके ऊपर यू नो वो जो लेंस है वो ऐसे रखनी है कि जो उसके साथ मतलब जो किरण आ रहे हैं जो सूरज की किरणें आ रही हैं वो एक होके ना उस पेज पे गिरे एंड देन यू गेट द मैजिक हैपन्स यू नो इट स्टार्ट्स बर्न. कैसे होता है जैसा ये है बिल्कुल वैसा ये है कि मैजिक होता है जब आप दोनों साथ में आते हो. फिर इनको क्या महसूस होता है, उनका हार्ट बीट कैसे रन करता है और दिल में जो खुशियाँ वाले हारमोन्स बढ़ते हैं ना ये कोई और समझ नहीं सकता. बस वही समझेगा जो प्यार में पड़ चुका है. ठीक है दैट्स अबाउट दिस वन. अब देखते हैं हम टैरो के बारे में. ओके टैरो में देखते हैं क्या रीडिंग आती है. सो लेट्स कनेक्ट टू इट. मेरी कैट अभी जस्ट बाहर गई इसलिए उसको छोड़ने के लिए गया था. ठीक है सो हियर वी गो. देखते हैं वाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीन ही कार्ड्स आए टैरो से. आई डोंट नो व्हाई लेकिन जो आए हैं मैं उनको लूँगा
ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। पहला जो कार्ड है वो जजमेंट। वाह, पहला ही कार्ड जजमेंट आ गया। क्या जजमेंट का मतलब है? देखो जजमेंट का बहुत ही स्वीट सा मतलब यहाँ पे आ रहा है। क्या है स्वीट सा मतलब? ठीक है, रात के समय अगर वो आपको गुड नाइट कह रहा है तो क्या है इसका मतलब? फर्स्ट थिंग कि गुड नाइट, ओके, स्लीप नाइट, दैट डज मीन आई एम लेटिंग यू गो फ्रॉम माई माइंड। ठीक है, तो ये अपने मन में आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपका एक किरदार जो इनके मन में छपा हुआ है, जो इनके सपनों में जरूर आएगा, तो वो सारी बातें रहेंगी। लेकिन जजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको कह रहे हैं कि हाँ, अब वो आपसे मेरी सुबह तक या फिर जब तक याद ना आए विद इन नेक्स्ट सेकेंड बात नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, या फिर रात को अगर यू नो ज़्यादा महसूस किया, ज़्यादा मिस किया आपको, तो मैसेज किया, कॉल किया, यू नो लाइक वाइज। सो जस्ट इमेजिन, ओके। अब मान लो आपको पता है कि यू नो कि जो जस्ट इमेजिन यू नो दैट योर लवर इज़ वर्किंग सो हार्ड, शायद कोई स्पोर्ट्स स्टार है, स्पोर्ट्स वर्कर है, फिर बहुत मेहनत करते हैं दुकान में, और आए हैं, आपने बात की, आपने 10-11 बजे इनको गुड नाइट कहे थे, सो आपको पता है कि जल्दी सो जाएंगे, आप वो सो गए हैं, लेकिन आप उनको बहुत मिस करते हो। लेकिन आपको पता है अगर उनको फ़ोन किया तो ज़रूर उठेंगे आपसे बात करेंगे, लेकिन उनकी नींद नहीं पूरी होगी, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जजमेंट आता है, बात तो करनी है लेकिन उनकी नींद टूट जाएगी इसलिए बात नहीं कर रहे, तो खुद की जजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नहीं आते लेकिन आपका एक स्वरूप जरूर आता है जो उनके मन में ख्वाब में आएगा, लेकिन इन रियल जो आप है, क्या आपसे अभी कनेक्ट करना जरूरी है, ये वो सोचते हैं। सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। दूरियां बिल्कुल यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। दूरियां है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, दूरियां एंड दैट्स इट। मतलब चाहते हुए भी आपसे जुदा होना पड़ रहा है। अब मे बी शायद आप किसी धार्मिक प्रोग्राम के लिए गए हो, या फिर फैमिली के साथ हो, आपके कोई कज़िन या आपके कोई रिलेटिव्स आ चुके हैं, तो उनके साथ बातें करनी है, यू नो, या फिर खाना बनाना है, या फिर उनके साथ टहलना है, या फिर ढेर सारी बातें करनी है, यू नो, तो ऐसे में आप इनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहेगा कि भाई ओके ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई सेवन ऑफ कप्स ओवर हियर, वेडिंग पीरियड एंड सेवन ऑफ वॉन्स। वेल, 777 आ गया यहाँ पे। क्या इसका मतलब? सेवन ऑफ वॉन्स की पैशन बहुत सारी है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं इस कार्ड से कि अभी आप को जो भी जुदा कर रहे हैं इनसे, उनके ऊपर काफी नाराज है, तुमने कैसे जुदा अब ये हो सकता है इसमें कहा कि अगर कोई रिलेटिव आ चुके हैं तो उनके ऊपर नाराज हो सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद माय लवर, हो सकता है। लेकिन भाई हर एक की कोई चीज़ होती है, हर एक का कोई वक्त होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये वक्त है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। तो ये है एरीज लियो सैज। तो यहाँ पे दो ही मैं कहूँगा साइंस मतलब ये आ चुके हैं, पहला ये फायर साइन और सेकेंड है ये वाटर साइन, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रीडिंग, ओके। तो ये हो चुका है एंड फाइनल देखते हैं कि मून लॉजर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जिसमें कहा कि ये शॉर्ट रीडिंग होगी, तो ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं, अब बस मून लॉजर करते हैं तो हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कनेक्ट, 1 2 3। चलो तीन कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ सी दैट। पहला जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, राइट, इफ यू कुड सी दैट। तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, न्यू मून इन लियो। तो ये पर्सन कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रखना चाहता है, इसके ऊपर भी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस टूटता क्यों है फिर, राइट? कॉन्फिडेंस तभी जरूरत होती है जब हमें लगता है कि हम आत्मविश्वास से घिरे हुए नहीं हैं। आपसे जुदा होना इनके लिए सही नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे अपने काफी लोग देखे होंगे, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जो सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, नहीं, ये ऐसा मोमेंट है कि आपसे वो जुदा होना ही नहीं चाहते, ओके। अब आप इनकी कंपैरिजन छोटे से बच्चे से कर सकते हो कि जो अपने फैमिली से जुदा नहीं होना चाहता, राइट, बिल्कुल वैसा ही है। सो कहीं ना कहीं जब आप इनके साथ होते हो तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फील करते हैं, राइट। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट इज वंडरफुल थिंग। फुल मून इन पाइसिस आ चुका है, कि भाई इनको ये दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। अब शायद ऐसा लग रहा है कोई आप दोनों में से कोई, अभी जैसे कि नवरात्रि चालू है तो शायद कोई साधना भी कर रहा होगा, ठीक है, या फिर अगर किसी को यू नो कि रात में कोई रिचुअल करता है, या फिर भगवान को याद करता है, थोड़ा ध्यान धारणा करता है, उसके बारे में भी है। तो अगर ध्यान करना है, ये सब करना है, तो आपको बाय तो करना होगा, राइट। तो वो बात आ जाएगी प्रैक्टिकलिटी में, दिन भर का काम किया है, अब आ गई स्पिरिचुअलिटी, इनमें बैलेंस बिठाना है। बैलेंसिंग के बीच में क्या आता है, दिन भर का काम हो गया, अब भगवान का करना है स्मरण, उसके पहले आप आते हो, तो आपसे कनेक्ट किया, ठीक है, कि भाई बात देखी, अच्छा लगा, बट नाउ सेइंग गुड नाइट, बट बिफोर दैट गोइंग टू कनेक्ट विद गॉड, लेकिन उससे पहले आपसे बात की, ठीक है। मन में तो भगवान है ही, लेकिन आपको भी बता दिया
भी आपसे बात करता हूँ, अभी दिल को अच्छा लगा, अब पूरे शिद्दत से भगवान का स्मरण कर सकता हूँ। एंड जो भी फाइनल कार्ड आ रहा है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स वैक्सिंग क्रिसेंट मून, सो दैट्स इट। गुड नाइट तो कहा है, लेकिन सपनों में तो आप होंगी होंगे, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए चाहे फिर ये 11 बजे सो जाए, 2 बजे सो जाए, 4 बजे सो जाए, आप इनके सपनों में जरूर आओगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सवाल ये है कि आप इनको अपने सपनों में देखते हो क्या, और क्या क्या देखते हो? तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।